नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR Academy में। तो दोस्तों, आज ये हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, अरुण कात्यायन का तीसरा लेक्चर है। और पिछली बार हमने इंटर क्रॉपिंग और बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, उसके आगे आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए, शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इंटरक्रॉपिंग के बारे में पढ़ा था और रिप्लेसमेंट सीरीज पढ़ी थी, उसका एग्जांपल शायद रह गया था, तो आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पर 10th रो ऑफ द वीट क्रॉप इज रिप्लेस्ड बाय मस्टर्ड एंड रो टू रो डिस्टेंस ऑफ वीट क्रॉप इज समवॉट रिड्यूस टू एडजस्ट द मस्टर्ड क्रॉप। तो इसमें क्या किया गया कि जो 10 रो है वीट क्रॉप की, उसको उसकी जो 10वीं रो है वो किससे रिप्लेस कर दी गई, मस्टर्ड क्रॉप से। और इस रिप्लेसमेंट को एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया कि जो थोड़ा इनका जो डिस्टेंस है रो से रो का, वो थोड़ा कम कर दिया गया। तो ये हमारा इंटरक्रॉपिंग है रिप्लेसमेंट सीरीज का। इसके बाद है प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग, मतलब इंटरक्रॉपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, मतलब जो इसका मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है, वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी मिले, मतलब कम एरिया में या एक यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें क्रॉप का। यही हमारा इसका मेन जो उद्देश्य है या मेन जो इसका एम है, यही है, इन एडिशन टू स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन। और इसके साथ ही जो प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहे, मतलब कि ये नहीं कि एक बार तो हमने हायर प्रोडक्शन ले लिया, अगली बार बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, मतलब हायर तो प्रोडक्शन लेना ही है, साथ में ये लगातार चलता रहे, ये सीरीज लगातार लगातार चलती रहे ईयर आफ्टर ईयर, और इसके जो प्रोडक्शन में है वो कमी ना आने पाए। इंटरक्रॉपिंग यूटिलाइज रिसोर्सेज इफिशियंटली, तो इंटरक्रॉपिंग में आपने देखा होगा कि क्या है, जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उनका अच्छे से अच्छा उपयोग होता है, जिनकी जितनी ज़रूरत होती है उतना ही उपयोग करते हैं, वेस्टेज नहीं होता है, तो ये भी इसका उद्देश्य। देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग, तो जो इसके प्री रिक्विजिट हैं वो देखते हैं हम क्या क्या हैं। जैसे द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप, मतलब हमने आपको पहले भी समझाया था, जैसे दो क्रॉप हम लेते हैं तो इनकी जो न्यूट्रिएंट जो हमारी लेने की जो टाइम पीरियड है, मतलब जो क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे हमें न्यूट्रिएंट चाहिए उस क्रॉप को, उस टाइम पे अगर नहीं मिला तो बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा क्रॉप की यील्ड में। तो ये दोनों जो टाइम पीरियड है, दोनों अलग अलग क्रॉप का, जो हम दो एक बेस क्रॉप हो गई एक इंटर क्रॉप हो गई, दोनों क्रॉप का एक ही नहीं होना चाहिए। ये क्या है इसका जो है प्री रिक्विजिट है कि एक ही नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई क्रॉप है उसका पीक न्यूट्रिएंट डिमांड है 30 से 35 दिन डे आफ्टर सोइंग, तो दूसरे क्रॉप का इस टाइम पीरियड के बीच में नहीं होना चाहिए, इसके बाद या इसके पहले हो सकता है। जैसे दूसरे क्रॉप का मान लीजिए 40 to 45 डे आफ्टर सोइंग है, तो ये ऐसा इसकी प्री रिक्विजिट है, एक ही टाइम पर नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही टाइम पर हो गया तो क्या होगा इसमें, फिर न्यूट्रिएंट के लिए दोनों क्रॉप के बीच में कंपटीशन होगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द कम, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे मेज और उड़द की या मूंग की हम अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो जो पीक न्यूट्रिएंट डिमांड है किसकी, उड़द की, वो हमारी 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग एंड 50 to 55 डेज आफ्टर सोइंग फॉर मेज, तो ये दोनों क्रॉप, दोनों की जो न्यूट्रिएंट डिमांड है वो अलग अलग टाइम पीरियड में है। कंपटीशन फॉर लाइट शुड बी मिनिमम अमॉन्ग द कंपोनेंट क्रॉप, तो जो है लाइट का जो कंपटीशन है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कोई भी क्रॉप ऐसी नहीं लेनी चाहिए जिसकी, जैसे मान लीजिए कोई हायर क्रॉप है जो लंबी क्रॉप है और वो छोटे क्रॉप को हमारा क्या कर ले, ढक ले, इससे क्या होगा हमारा कंपटीशन जो है ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान देते हैं कि इनकी कैनोपी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी निचली क्रॉप है जो नीचे के लेवल पे है उसको भी हमारी लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी तरह से होती रहे, उनमें कोई भी कंपटीशन ना हो। कॉम्प्लीमेंटेरिटी शुड एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट क्रॉप, दोनों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, दोनों क्रॉप एक दूसरे को किसी ना किसी तरह बेनिफिट करना चाहिए, अगर बेनिफिशियरी भी नहीं है तो एक दूसरे को हार्मफुल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस इन द मैच्योरिटी ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप शुड बी एटलीस्ट 30 डेज, तो जो दो क्रॉप हैं उनमें जो है मैच्योरिटी पीरियड का कम से कम टाइम ड्यूरेशन जो है अंतराल जो है वो 30 से 35 दिन का होना चाहिए। अगर एक क्रॉप हमारी 2 महीने में होती है तो दूसरी क्रॉप हमारी 3 महीने में तैयार होनी चाहिए। इस तरह से होगा तो उनकी क्या है, जो भी टाइम पीरियड होगा न्यूट्रिएंट के लिए या फिर इंसेक्ट पेस्ट के लिए या फिर जो भी हम चीज़ें अप्लाई करेंगे इरिगेशन के लिए, तो उन सबका अलग अलग होगा, एक ही टाइम पीरियड नहीं होगा, जिससे हमें क्या होगा कहीं पर भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा।
कंपटीशन फॉर सीओ टू एंड वाटर शुड ऑल्सो भी मिनिमम एमॉन्ग कंपोनेंट क्रॉप। तो कंपटीशन जो सी ओ टू का है और वाटर, इसका भी हमारा मिनिमम होना चाहिए, वही बात जो अभी हमने आपको इसके पहले बताई। तो मेन अगर हम देखें तो क्या कंडीशन है कि कहीं पर भी जो भी इंटर क्रॉप है, इंटर क्रॉप में जो दो क्रॉप होती हैं, एक बेस क्रॉप दूसरी इंटर क्रॉप, उन दोनों में किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो है आउटकम है किसका, प्रीरिक्विजिट का। इसके बाद हम अगर बात करें मिक्स क्रॉपिंग, तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग हमने आपको बताया था, इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप हम उगाते हैं लेकिन उनको एक डिफाइंड पैटर्न में उगाते हैं, मतलब एक निश्चित पैटर्न में उगाते हैं, जैसे 9 रो व्हीट की हो गई, 1 रो मस्टर्ड की हो गई। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, हम दो या दो से क्रॉप एक साथ उगाते हैं लेकिन कोई पैटर्न नहीं होता है, हम उनको किसी भी रो के बाद कोई भी दूसरी क्रॉप की रो ले सकते हैं या पूरा का पूरा सीड मिक्स करके ले सकते हैं, वो हमारा मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कल्टीवेशन ऑफ टू आर मोर देन टू क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट डेफिनेट रो पैटर्न, मतलब इनमें कोई भी रो पैटर्न नहीं होता है कि 9 लाइन के बाद 1 लाइन मस्टर्ड की आएगी, ऐसा कोई भी इनमें पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई एक फिक्स रेशियो होता है। सोइंग ऑफ द सीड इज जनरली बाई ब्रॉडकास्टिंग, तो इसमें क्या करते हैं, जब सोइंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जिसे छिटकवा विधि भी कहते हैं, मतलब दो या दो से क्रॉप ज़्यादा क्रॉप जिनको हमें सोन करना है, एक साथ बोना है, उनको हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा उनकी बुआई कर देते हैं। तो जनरल सी बात है, आप देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे दो क्रॉप को मिलाकर, दो क्रॉप का सीड मिलाकर, तो उनमें कोई भी रो पैटर्न नहीं बन पाएगा। एंड कॉमनली प्रैक्टिस इन ड्राई लैंड एरिया, और ये ज़्यादातर हम कहाँ, ड्राई लैंड एरिया जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर इस मेथड का यूज़ करते हैं। इट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो ये हमारा एक तरह से क्या है, जीवन निर्वाह की विधि है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जीवन निर्वाह खेती क्या होती है, जिसका प्राइमरी एम हमारा होता है सिर्फ अपनी ज़रूरतों पूरी करना, बाकी उसके अलावा हमारा कोई भी एम नहीं होता है। तो ये हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक एम है। तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं भागेंगे, वहाँ पर जनरल सी बात है कि वो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू लेसन द रिस्क ऑफ द टोटल क्रॉप फेल्योर, तो ये हम क्यों करते हैं, हम जहाँ पर पानी की कमी है हम चाहे तो एक ही क्रॉप बो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है कि जो है क्रॉप फेल्योर का हम रिस्क कम कर सकें, क्योंकि पानी की कमी वैसे भी है। मान लीजिए हमने एक क्रॉप बोई, अगर वहाँ पर पानी की कमी की वजह से वो क्रॉप हमारी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं होगा हमारे जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी क्रॉप भी उगाते हैं साथ में इंटर मिक्स क्रॉपिंग करके, तो उससे क्या होता है, मान लीजिए एक क्रॉप नष्ट भी हो गई तो दूसरी क्रॉप हमारी थोड़ी बहुत बची रहेगी, तो थोड़ा बहुत हमें प्रोडक्शन उससे मिल जाएगा। तो इसका यही हमारा मेन एम होता है, एंड टू सेटिस्फाई द फार्मर इन फूड एंड फोडर, और इससे फार्मर्स को क्या होता है, भोजन की उपलब्धता और जानवरों के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था होती रहती है। इंटरक्रॉपिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स फार्मिंग, तो मिक्स फार्मिंग का ही एक नया कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, इंटरक्रॉपिंग। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग वॉज फर्स्टली डन बाई ला फ्लिज, तो ये एक फैक्चुअल डाटा है कि मिक्स क्रॉपिंग का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ला फ्लिटजे ने 1928 में। चलिए इसके बाद है हमारा सिक्वेंस या सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो सिक्वेंस का मतलब आप जानते ही होंगे कि एक निश्चित दौरान के बाद, एक सिक्वेंस के बाद, मतलब एक के बाद एक, तो वही हमारा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग भी होती है। जब क्रॉप्स को क्या करते हैं, एक क्रॉप हमारी हो गई, वो हमारी मैच्योर हो गई, कट गई, तो उसके बाद तुरंत हम क्या करें, दूसरी क्रॉप बो दें, उसके बाद फिर हम दूसरी क्रॉप बो दें, मतलब एक भी गैप ना हो टाइम पीरियड का, एक के बाद एक क्रॉप बोते रहें, वो हमारा कहलाता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग ऑफ टू आर मोर क्रॉप्स इन अ क्विक सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरी क्रॉप तुरंत बो देना, कि एक भी टाइम पीरियड का गैप ना, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ फार्मिंग ईयर, किसी फार्मिंग ईयर में एक ही ज़मीन पे किसी क्रॉप को बोना एक निश्चित अंतराल में बिना किसी टाइम पीरियड के गैप के। द सोइंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप मे बी डन साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब क्या, वो सक्सीडिंग क्रॉप मतलब जो क्रॉप हमें बोनी है, और प्रीसीडिंग क्रॉप जो क्रॉप हमें काटनी है, वो हमारी कहलाती है प्रीसीडिंग क्रॉप। तो क्या करते हैं कि सक्सीडिंग क्रॉप को हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही, प्रीसीडिंग क्रॉप के हार्वेस्टिंग के टाइम पे मीन्स कटाई के दौरान ही, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अगली क्रॉप को हम बुआई कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग और इन अ क्विक सक्सेशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द मेज पोटैटो इज सोन, जैसे ही मेज की हार्वेस्टिंग होती है हम पोटैटो की बुआई कर देते हैं। एंड जस्ट आफ्टर डिगिंग ऑफ पोटैटो चिली इज सोन, और जैसे ही पोटैटो की डिगिंग हुई हम यहाँ क्या कर देते हैं कि मिर्च की बुआई कर देते हैं।
सिक्वेंशियल क्रॉपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बिकॉज देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द टू और मोर क्रॉपिंग। तो इसको नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। अभी ओवरलैप क्रॉपिंग क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड का ओवरलैप हो जाता है, मीन्स कि हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए उसके पहले ही हमने क्या किया, दूसरी क्रॉप की बुआई कर दी। मान लीजिए यहाँ तक हार्वेस्टिंग पीरियड, उसके पहले ही हमने मैच्योरिटी पे ही हमने दूसरी क्रॉप की बुआई कर दी, और फिर हम जब तक दूसरी क्रॉप का जर्मिनेशन हुआ तब हम उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं प्रीसीडिंग क्रॉप की कटाई कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। लेकिन ये जो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग है, क्योंकि हार्वेस्टिंग होते ही हम क्या करते हैं जो सक्सीडिंग क्रॉप है अगली क्रॉप है उसकी बुआई हम करते हैं, तो ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग है। चलिए रेटूनिंग और रेटून क्रॉपिंग में आल्सो भी क्लासिफाइड अंडर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो रेटूनिंग को भी हम क्या कहते हैं, रेटूनिंग जो हमारे गन्ने में प्रैक्टिस की जाती है उसको भी हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर ही रखते हैं। चलिए इसके बाद है हमारा रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, इट्स कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम रिले रेस इन विच फोर रनर्स रन इन द फील्ड हैविंग फ्लैग इन देयर हैंड। तो आपने रिले क्रॉपिंग देखी होगी कि रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, चार लोग होते हैं और जो पहला रनर होता है वो जाके दूसरे रनर को फ्लैग देता है, दूसरे तीसरे को और तीसरा चौथे को, और चौथा जाके क्या करता है कंप्लीट करता है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर फ्लैग लेना होता है या फिर जहाँ पर फ्लैग देना होता है उस पॉइंट पर क्या होता है कि जो रनर है वो थोड़ा आगे भाग जाता है जिसको देना होता है, और जिसको लेना होता है वो भी थोड़ा पीछे आकर रहता है और वो पहले क्या करता है फ्लैग को लेने की कोशिश करता है, लाइन को क्रॉस नहीं होने देता है, तो वो हमारा रिले क्रॉपिंग करती है। इसी तरह हम क्या करते हैं रिले क्रॉपिंग भी करते हैं। द फर्स्ट रनर पोजेज ऑन इट्स फ्लैग टू द सक्सीडिंग पार्टनर एंड सेकेंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ रनर। रिले क्रॉपिंग कैन बी डिफाइंड एज ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ईच। तो इसी तरह ये भी है रिले क्रॉपिंग भी है, क्या करते हैं कि जो प्रीसीडिंग क्रॉप होती है उसकी किसी लाइफ साइकिल के टाइम पे ही हम क्या करते हैं कि जो अगली जो आने वाली सक्सीडिंग क्रॉप है उसकी बुआई कर देते हैं, वो हमारा कहलाता है रिले क्रॉपिंग। सक्सीडिंग क्रॉप प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के पहले ही हम क्या कर देते हैं कि सक्सीडिंग क्रॉप जो नेक्स्ट बोने वाली क्रॉप है उसकी बुआई हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीसीडिंग क्रॉप है, यहाँ ये हार्वेस्टिंग टाइम है इसका, लेकिन इसके पहले ही हम क्या करते हैं कोई दूसरी क्रॉप जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसकी बुआई कर देते हैं हार्वेस्टिंग के पहले ही। जनरली सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज़ रीच इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो कब हम बोल देते हैं जनरली, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन जनरली ज़्यादातर हम क्या करते हैं जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है पहली क्रॉप हमारी प्रीसीडिंग क्रॉप, उसी टाइम पे हम क्या कहते हैं नेक्स्ट क्रॉप की बुआई कर देते हैं। बट बिफोर इट इज़ रेडी फॉर हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्टिंग के पहले ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में होते ही हम सक्सीडिंग क्रॉप की बुआई कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें तो पोटैटो इज प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, मक्के की हार्वेस्टिंग के पहले ही हम पोटैटो की बुआई कर देते हैं। एंड रेडिस इज सोन बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो, इसी तरह जो रेडिस है उसको हम पोटैटो की हार्वेस्टिंग के पहले बो देते हैं। पैरा क्रॉपिंग जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल में होती है, और उटेरा जो कि एमपी में होती है, क्रॉपिंग में भी एग्जाम्पल ऑफ द रिले क्रॉपिंग, ये भी हमारा रिले क्रॉपिंग का ही एग्जाम्पल है। तो पैरा और उटेरा होता क्या, पैरा और उटेरा क्रॉपिंग मीन्स सोइंग ऑफ लेथाइरस और लेंटिल बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस इन लो लैंड एरिया। तो ये भी एक रिले क्रॉपिंग है लेकिन इसको स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया है जो कि कहाँ होती है, पैरा क्रॉपिंग अगर आपसे पूछे तो बिहार और वेस्ट बंगाल में इसको बोला जाता है, और इसी को एमपी में उटेरा बोला जाता है। तो ये होता क्या है लेथाइरस या लेंटिल को हम राइस की फील्ड में बो देते हैं राइस की हार्वेस्टिंग से पहले, वो हमारा पैरा या उटेरा क्रॉपिंग कहलाता है। प्लांटिंग ऑफ नर्सरी क्रॉप में आल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ रिले क्रॉप, नर्सरी क्रॉप की बुआई जो हम करते हैं वो भी हमारा एक क्या होता है रिले क्रॉपिंग का ही एग्जाम्पल है। रिले क्रॉपिंग इज आल्सो कॉल्ड ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, और रिले क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि स्टेजेस जो है ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पर जो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग थी वहाँ पर स्टेजेस ओवरलैप नहीं कर रही थी, जैसे इसकी हार्वेस्टिंग हुई उसके बाद ही दूसरे की बुआई हुई, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें, मतलब हार्वेस्टिंग के पहले ही हमने क्या कर दिया बुआई कर दिया अगली आने वाली क्रॉप की, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होने की वजह से रिले क्रॉपिंग को हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग के पहले ही दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दी गई। डॉक्टर शेर सिंह बेंस, एसएस बेंस भी कहते हैं इनको, है सजेस्टेड द फॉलोइंग रिले क्रॉपिंग पैटर्न फॉर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया के उसके लिए एसएस बेंस को
जो है सजेस्ट किया था उन्होंने कुछ क्रॉपिंग पैटर्न, इसीलिए एस एस बेंस को फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। जैसे मूंग, मेज, पोटैटो, वीट, इसमें क्या होता है कि मूंग की हार्वेस्टिंग से पहले ही मेज को बो देना, मेज की हार्वेस्टिंग से पहले ही पोटैटो की बुआई कर देना, पोटैटो की हार्वेस्टिंग से पहले ही वीट की बुआई कर देना। तो ये हमारा रिले क्रॉपिंग था और रिले क्रॉपिंग के एग्जाम्पल थे। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टी स्टोरीड या मल्टी लेयर्ड या मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग की, तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में भी, हमने आपको पढ़ाया था कि मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होती है। मल्टी स्टोरी का मतलब क्या होता है, बहुमंजिला। अगर हिंदी में बात करें, आपने देखी होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं फ्लोर्स होते हैं, वो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहलाती हैं। इसी तरह मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में भी क्या होता है कि डिफरेंट हाइट की क्रॉप एक साथ हम उगाते हैं, उन्हें हम मल्टी स्टोरी या मल्टी लेवल क्रॉपिंग कहलाते हैं। जैसे एक बहुत ज़्यादा हाइट की हो गई, दूसरी हमारी मीडियम हाइट की क्रॉप हो गई, तीसरी हमारी बहुत ही छोटी या ग्राउंड लेवल हाइट की हो गई। तो इस तरह से हम क्रॉपिंग पैटर्न को जब यूज करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा कहलाता है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। अलग अलग लेवल की दो या दो से अधिक क्रॉप को एक साथ एक ही फील्ड पर एक ही ईयर में सेम टाइम पैटर्न पर उगाना क्या कहलाता है हमारा, मल्टी स्टोरेड या मल्टी लेवल क्रॉपिंग। सिस्टम ऑफ द क्रॉपिंग वेयर शॉर्ट ड्यूरेशन क्विक ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड एंड फॉडर्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन द इंटर स्पेस ऑफ प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो क्या मतलब हुआ, जनरली ये कहाँ अप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लांटेशन क्रॉप ली, मान लीजिए मैंगो का हमने ऑर्चर्ड तैयार किया एक हमने, तो मैंगो का आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ा प्लांट होता है, लेकिन मैंगो का प्रोडक्शन तुरंत नहीं होता, 8 से 10 साल बाद स्टार्ट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंगो के प्लांट के बीच में कुछ सालों तक हम जो जल्दी तैयार होने वाली कोई फ्रूट की क्रॉप है वो ले सकते हैं, और जो छोटी हाइट की हो उनको, या फिर जो क्रॉप में ग्रोन होने वाली या लैंड पे बहुत निचली सतह पे ग्रो होने वाली, जल्दी ग्रो होने वाली, मेन इसका एम क्या है कि जो क्रॉप जल्दी ग्रो हो जाए उसको हम जो बीच में स्पेस है इन ऑर्चर्ड के वहाँ पर हम उसको उगा सकें। जैसे हम यहाँ पर हल्दी उगा सकते हैं, हल्दी बहुत ही छोटा पेड़ होता है और बहुत जल्दी क्रॉप तैयार हो जाती है मैंगो की अपेक्षा। तो इस तरह से हम इसको ग्रो करते हैं, वो हमारा कहलाता है मल्टी स्टोरी या मल्टी लेवल क्रॉपिंग। टू यूटिलाइज द लेजर पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल क्रॉप। तो जो हमारी प्रिंसिपल क्रॉप जो मैंगो है उसका जो ग्रोथ पीरियड है उसमें मतलब कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर लें, उस ग्रोथ पीरियड में तो हमें कोई प्रोडक्शन मिलने वाला नहीं है और हमारा सिर्फ इनपुट ही लग रहा है, तो उस टाइम पे भी हम अगर कोई क्रॉप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रॉप ले सकते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तो इसलिए हम इसको लेते हैं। जनरली मतलब एक प्लांटेशन क्रॉस में ही लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम प्लांटेशन क्रॉस में ही लें, हम नॉर्मल क्रॉस में भी ये ले सकते हैं, तो उसको भी मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग ही कहा जाएगा अगर वो डिफरेंट हाइट की हैं दो या दो से अधिक क्रॉप। सच क्रॉपिंग इज यूजफुल इन बोथ प्लेन्स एंड हिली एरिया। प्लेन्स और हिली एरिया दोनों ही पार्ट्स में ये जो है यूटिलाइज होती हैं और दोनों ही पार्ट्स में इनसे बेनिफिट मिलता है। इट यूटिलाइज सोलर एनर्जी एंड सॉइल लेयर। तो इसमें क्या होगा, एक तो डिफरेंट हाइट की हैं, तो इनमें मेन जो एनर्जी यूज होगी वो कौन सी, सोलर एनर्जी का अलग अलग यूज होगा और सॉइल लेयर्स का भी, क्योंकि जो डिफरेंट हाइट की क्रॉप होंगी उनकी जो है रूट्स भी हैं वो डिफरेंट हाइट्स की होंगी, किसी की छोटी होंगी किसी की बड़ी होंगी, तो जो हमारी मेन क्रॉप है वो हमारी किसी दूसरे लेयर से, सॉइल की लेयर से न्यूट्रिएंट ले रही होंगी, और जो छोटी क्रॉप है वो हमारी किसी दूसरी लेयर से न्यूट्रिएंट वगैरह ले रही होंगी। तो इसमें भी क्या है, आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरह का कंपटीशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना ही लाइट के लिए, ना ही वाटर के लिए, ना ही न्यूट्रिएंट के लिए। चलिए इट यूटिलाइजेस सोलर एनर्जी एंड सॉइल लेयर इफेक्टिवली। द कैनोपी ओरिएंटेशन ऑफ कंपोनेंट क्रॉप एंड लोकलाइजेशन ऑफ रूट सिस्टम एट डिफरेंट जोन्स आर द टूल्स ऑफ दिस सिस्टम। तो वही जो अभी हमने आपने बताया कि इनकी एक तो कैनोपी की वजह से इनमें क्या होता है कि सोलर जो कंपटीशन है वो नहीं होता, सोलर लाइट के लिए वो नहीं होता, और डिफरेंट रूट्स होती हैं जो डिफरेंट हाइट की, डिफरेंट डेप्थ की, उसकी वजह से जो है हमें ना तो वाटर के लिए ना ही न्यूट्रिएंट के लिए हमें कंपटीशन होता है, ये इसका मेन कंपोनेंट है। द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑफ वेरिंग रूटिंग पैटर्न एंड ड्यूरेशन इज कॉल्ड मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। तो वही है डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि अलग अलग तरह की क्रॉपिंग क्रॉप्स को उगाना जिनमें अलग अलग तरह का रूटिंग पैटर्न होता है और अलग अलग टाइम पीरियड होता है उनके मैच्योर होने का, वो हमारा मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहलाता है।
द ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज द वर्टिकल स्पेस मोर इफेक्टिवली। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वर्टिकल स्पेस का अच्छे से यूज करना। जैसे देख रहे होंगे वर्टिकल स्पेस की वजह से ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोलर लाइट है वो ले रहे हैं, और वर्टिकल स्पेस की वजह से ही सॉइल की डिफरेंट लेयर से हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो ले पा रहे हैं। तो इसका मेन मेन जो है उद्देश्य हमारा वर्टिकल स्पेस का ज़्यादा यूज करना है हॉरिजेंटल की अपेक्षा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनीडेशन इन स्पेस। प्रिंसिपल ऑफ एनीडेशन क्या है, ये अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना जानिए कि ये किस पे, प्रिंसिपल ऑफ एनीडेशन पर निर्भर है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो कोकोनट का जो प्लांट है वो बहुत लंबा होता है, उसके बाद फिर ब्लैक पेपर छोटा होता है, कोकोआ वो भी बहुत छोटा होता है, और पाइन एप्पल का पेड़ भी छोटा होता है। डिफरेंट हाइट की ये क्या है, क्रॉप्स हैं। तो ये हमारी क्या हुई, और सब में जो है कंपटीशन सोलर रेडिएशन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफरेंट सॉइल लेयर से नहीं होगा, इस वजह से ये हमारी मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल है। अब अगर बात करें चॉइस ऑफ क्रॉप फॉर मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग, मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग ही अभी तक हम देख रहे थे, अब इसके लिए हमें किस तरह की क्रॉप्स को लेना चाहिए तो वो देख लेते हैं। तो द क्रॉप शुड बी अरेंज इन अ सच अ वे दैट एलीलोपैथिक इफेक्ट। एलीलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है, अगर जनरली बताएं कि जो एलीलोपैथिक केमिकल होते हैं कुछ क्रॉप से वो निकलते हैं जो कि दूसरे क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो हमारा एलीलोपैथिक इफेक्ट कहलाता है। इसको आगे दूसरे तीसरे लेक्चर में हम और अच्छे समझाएंगे, लेकिन आपको इतना ही जानना है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट से कुछ केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे दूसरे क्रॉप के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो हमारे एलीलोपैथिक केमिकल कहलाते हैं, और ये इफेक्ट हमारा एलीलोपैथिक इफेक्ट कहलाता है। तो ऐसे ही अरेंज होनी चाहिए क्रॉप को कि जो एलीलोपैथिक इफेक्ट है, टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट है, और डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेम लेयर ऑफ द सॉइल डू नॉट अकर। मतलब यही कि जो इमोबिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मतलब सॉइल लेयर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो सब एक ही लेयर से ना हो। मान लीजिए हमने मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग की, अगर एक ही सॉइल लेयर से ही हम अगर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने की वजह से सभी क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, और क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेग्यूम्स हैव अ डेफिनेट प्लेस इन एनी क्रॉपिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड डिमांड ऑन रिसोर्सेज लाइक वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट, देयर एडॉप्टेबिलिटी टू वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड कैपेसिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स। तो लेग्यूम्स क्या होती हैं कि उनको एक निश्चित जो है प्लेस चाहिए, निश्चित रो पैटर्न चाहिए क्रॉपिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि उनमें क्या होता है जो रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ही कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये बहुत ही अच्छी क्रॉप होती हैं। जैसे रिसोर्स हो गए वाटर, तो वाटर कम चाहिए हमें लेग्यूम क्रॉप उगाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है सिम्बायोसिस की वजह से जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है उसमें। लाइट की भी आवश्यकता कम होती है, और ये क्या होता है कि अलग अलग तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को एडॉप्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, इसलिए लेग्यूम्स का यूज करना चाहिए हमें किसमें, मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग में। वेजिटेबल डिजर्व दियर ड्यू प्लेस इन इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो वेजिटेबल्स को क्यों ऐड करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है हाई कैश एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। तो हाई कैश एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो इनकी जो है मार्केट वैल्यू अच्छी होती है और अच्छा प्राइस हमें मिलता है। साथ ही साथ इनमें अगर हम पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है। मोस्ट वेजिटेबल्स कैन बी रेज्ड एज सीडलिंग्स एंड प्लांटेड दस रिड्यूसिंग मेन फील्ड ड्यूरेशन एंड कंपटीशन विद द एसोसिएटेड क्रॉप। तो क्या होता है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स को हम सीडलिंग्स के रूप में पहले मतलब उनकी सीडलिंग तैयार करते हैं, फिर उनकी प्लांटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो फील्ड में लगने वाला टाइम है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक तरह से क्रॉप की जो टाइम ड्यूरेशन है लाइफ साइकिल की वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, सीडलिंग को हमने कहीं और तैयार कर लिया, छोटी सी जगह में सीडलिंग तैयार हो जाती है, बहुत ही छोटी जगह में बहुत ज़्यादा फील्ड के लिए हम सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, और फिर जब सीडलिंग हमारी हो गई बड़ी तब हम उसको सीधा क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि टाइम में जो कंपटीशन होता है फील्ड में वो कम होता है, और जो टाइम पीरियड है वो भी हमें कम लगता है। दे कैन बी ग्रोन इन इंटर स्पेस इन ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन। वेजिटेबल्स हमारी क्या होती हैं कि उनको हम
जो भी इंटर स्पेस है, या जैसे हमने अभी आपको बताया था मैंगो का ऑर्चर्ड लिया था, उसी तरह हम मैंगो के ऑर्चर्ड में किसी दूसरे ऑर्चर्ड में जो बीच में स्पेस होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को आराम से ग्रो कर सकते हैं। दे कैन बी इंटर और रिले क्रॉप इन अ सीरियल बेस्ड क्रॉप्स। और जो सीरियल्स की क्रॉप होती हैं उनमें हम इंटर क्रॉपिंग की तरह इनको यूज कर सकते हैं, या फिर रिले क्रॉपिंग भी इनकी कर सकते हैं। तो ये इस वजह से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को हमें मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग में यूज़ करना चाहिए। लेग्यूम्स को क्यों करना चाहिए हमने देखा, और किस तरह की क्रॉप्स यूज करनी चाहिए ये भी देखा। इसके बाद है शॉर्ट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, इनसेंसिटिव जीनोटाइप्स आर द बेस्ट सुइटेड फॉर इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है, जितनी ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगी उतनी ज़्यादा ज़्यादा हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होनी चाहिए इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए। फोटो पीरियड जो है इनसेंसिटिव होनी चाहिए, इससे हमें क्या होता है कि अच्छे से अच्छे इंटेंसिटिव क्रॉपिंग सिस्टम को हम अपना सकते हैं। तो ये था हमारा मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग के बारे में, कौन कौन सी क्रॉप हमें ग्रो करनी चाहिए। मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग की बात ही कर रहे थे हम, जैसे मल्टी स्टोरीड हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो, ये सारी की सारी हमारी क्या सघन खेती के अंतर्गत ही आती हैं। इस तरह की क्रॉप इसमें यूज करनी चाहिए। अब देखें टेरा फार्मिंग क्या है, टेरा फार्मिंग या फिर फार्मिंग। तो टू डेवलप द मार्स प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द अर्थ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग। तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इतनी समझ अभी किसी के पास नहीं है। तो अगर सीधा सीधा एक डेफिनेशन के रूप में बात करें तो मार्स में जाकर अर्थ के जैसा इन्वायरमेंट तैयार करना वहाँ पर, और वहाँ पर फिर वेजिटेबल्स या क्रॉप को ग्रो करना हमारा टेरा फार्मिंग कहलाता है। तो इसमें साइंटिस्ट वगैरह लगे हुए हैं हमारे, और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्स में जाकर हम वहाँ पर अर्थ के जैसे जो पृथ्वी में इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट तैयार कर सकें। तो जैसे पृथ्वी में इन्वायरमेंट है वहाँ अगर तैयार कर लिए, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। आप जैसे देख ही रहे हैं अर्थ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लैंड हमारी सीमित है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हमने मार्च पे ऐसा कुछ कर लिया तो उससे हमें क्या होगा, लैंड की अवेलेबिलिटी होगी और वहाँ पर हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन की फीडिंग के लिए। तो ये हमारा टेरा फार्मिंग कहलाता है। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ। तो प्रेजेंट में हमने बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स जो है वो हमने डेवलप्ड किए हुए हैं मार्स जैसा एनवायरनमेंट बनाकर, हमने अर्थ में ही हमने मार्स जैसा एनवायरनमेंट बनाया और वहाँ पर हमने कुछ बैक्टीरिया और प्लांट्स ग्रो किए। तो ये हमारा कहलाता है टेरा फार्मिंग। इसके बाद अगर हम बात करें एरोपोनिक्स, तो एरोपोनिक्स क्या होता है, इन सच टेक्निक्स प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सॉइल इन द एरेटेड मॉइस्ट एटमोसफियर विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो एरोपोनिक्स क्या होता है, एरोपोनिक्स में क्या करते हैं, बिना सॉइल के ही किसी क्रॉप को या किसी प्लांट को ग्रो करते हैं। किस तरह ग्रो करते हैं, तो एरोपोनिक्स में हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा एक जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको डिप करते हैं किसमें, न्यूट्रिशनल लिक्विड में, या न्यूट्रिशनल जो घोल होता है उसमें डिप करके उसके बाद उस प्लांट को हम एयर में लटका देते हैं और उसमें सॉइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। और टाइम टाइम पर उसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहते हैं। वो जो पानी भी होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं, और इस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो हमारा कहलाता है एरोपोनिक्स। थ्रू दिस टेक्निक एनी प्लांट कैन बी ग्रोन एट एनी टाइम। तो इस टेक्निक से हम कोई भी प्लांट किसी भी टाइम पर उगा सकते हैं, कैसे, अपने हिसाब से जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इन्वायरमेंट को तैयार कर सकते हैं। रूम पर जितना भी उसको टेम्परेचर चाहिए या जितना भी उसको सनलाइट चाहिए उस तरह से हम मॉडिफाई करके उसको हम किसी भी टाइम पे उगा सकते हैं। सिंस प्लांट्स आर ग्रोन इन क्लीन एंड कंट्रोल एटमोसफियर देर इज़ नो चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। तो इसमें पहली बात तो हम सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं, सॉइल में ही सारे इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज वगैरह पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो जब हम सॉइल का प्रयोग नहीं करेंगे क्लीन होने की वजह से इसमें इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है। और वाटर का भी यूज हम बहुत ही कम करते हैं, तो इसमें लगभग 98% वाटर की बचत होती है और 60% केमिकल फर्टिलाइजर की और 100% पेस्टिसाइड की बचत होती है। दिस टेक्निक वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा इन 1997 हैड ट्राइड टू ग्रो पॉड्स ऑफ बीन इन मीर स्पेस स्टेशन ऑफ रसिया। तो सबसे पहले क्या है, अमेरिकन नासा एजेंसी है जो, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 1997 में पॉट्स जो है बीन के पॉट्स को कहाँ पर, मीर स्पेस स्टेशन में ग्रो करने की कोशिश की थी। तब से ये टेक्निक जो है हमारी लोगों द्वारा जानी गई। हेयर सीड्स और प्रोपेग्यूल्स आर हैंग्ड इन द एयर एंड इट्स रूट्स आर ग्रोन इन कंट्रोल एरेटेड एटमोसफियर।
सिर्फ क्या होता है, एयर के एटमॉस्फेयर में इसको ग्रो करते हैं, और टाइम टाइम पर थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे करते रहते हैं। और जो पानी होता है वो जनरली न्यूट्रिएंट्स का घोल होता है। वेयर रूट्स आर केप्ट ऑलवेज मॉइस्ट विद द न्यूट्रिएंट रिच स्प्रे। ये देखिए दिया हुआ है कि जो रूट्स को हम हमेशा क्या करें, जैसे आपको किसी प्लांट के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं, कभी सल्फर कभी मैग्नीशियम कभी कुछ। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्प्रे होता है वाटर का, उसमें सारे न्यूट्रिएंट जितना आवश्यकता होती है उस हिसाब से घोल बनाया जाता है, और प्लांट्स की रूट में समय समय से स्प्रे किया जाता है। हमेशा वो भी नहीं, टाइम टाइम पर स्प्रे किया जाता है, बस उसको मॉइस्ट रखा जाता है। तो इससे हमें क्या है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और उसे मिट्टी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी की ज़रूरत किस लिए होती है प्लांट्स को, क्योंकि वो मिट्टी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस वजह से अगर हम न्यूट्रिएंट डायरेक्ट ही दे रहे हैं तो फिर हमें मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं होगी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ये टेक्निक एरोपोनिक्स चलाती है। इसी तरह एक हाइड्रोपोनिक्स भी होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो उसमें क्या करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, पानी में हमेशा रूट्स रहती हैं उसकी, और उसमें भी हम जो है न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं जो भी उसकी ज़रूरत होती है, वो हमारी कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद है लीसा। लीसा का अगर फुल फॉर्म देखें तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो अगर फुल फॉर्म देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, लो एक्सटर्नल इनपुट, इनपुट जो है हमें कम से कम लगाना है, और एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसी टेक्निक हमारी लीसा कहलाती है, मीन्स ऑप्टिमल यूज ऑफ द लोकली अवेलेबल नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज इकोनॉमिकली फीजिएबल, इकोलॉजिकल साउंड, कल्चरली अडॉप्टेड एंड सोशली जस्ट। मतलब अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें तो हमें इसका मतलब पूरा पता चल जाएगा। लो एक्सटर्नल इनपुट, जो भी हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं किसी स्थान पर एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉपिंग के लिए, उनका हम इफ़िशियंटली यूज करें। ह्यूमन रिसोर्स होगा या फिर नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, या जो भी हो गया, उनका हम ऑप्टिमल यूज करें। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना करें, उससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे पानी है तो ये नहीं कि हमने पानी लगा के खेत में छोड़ दिया और वो बहता जा रहा है, फील्ड भरती जा रही, जितना ज़रूरत है क्रॉप के लिए उतना पानी दें। तो इस तरह से जितना भी हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध हैं लोकली या फिर ह्यूमन हो गए या नेचुरली हो गए, उनको हम जितना ज़रूरत हो उतना यूज करें। साथ में एग्रीकल्चर जो है वो हमारी सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकली भी सस्टेनेबल हो, इकोलॉजिकली भी सस्टेनेबल हो, और कल्चरली भी अडॉप्ट की गई हो, वहाँ पर सोशली भी अडॉप्ट की जा रही हो। जैसे इकोलॉजी को कोई हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए इकोसिस्टम को, और इकोनॉमिकली भी जो है बेनिफिट हमें प्राप्त होना चाहिए, और वहाँ पर जो कोई पॉपुलेशन है वो उस क्रॉप को करने के लिए तैयार हो, तो वो हमारा कहलाता है लीसा या लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके बाद है प्रिसीजन फार्मिंग या फिर साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। ये क्या होता है, तो प्रिसीजन मीन्स क्लोजनेस ऑफ द टू मेजरमेंट्स, बट यह प्रिसीजन इज टूवर्ड्स एक्यूरेसी और से टारगेट स्पेसिफिक और साइट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स स्पेशली न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो बहुत ही छोटी डिफिनेशन दी गई है, अभी जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, और यहाँ पर जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो इसमें एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दिया गया कि जब भी हम न्यूट्रिएंट्स को दें किसी प्लांट्स के लिए या किसी क्रॉप के लिए ज़रूरी है, तो हम उसको जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वहीं पर अवेलेबल कराएं साइट स्पेसिफिक, या फिर जहाँ पर इनपुट की ज़रूरत है वहीं पर दें अगर डायरेक्ट ही, तो वो हमारा कहलाता है प्रिसीजन फार्मिंग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जैसे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो रूट्स को, तो हम किसी तरह रूट्स की उस जोन पे ही हम न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करा सकें जहाँ से वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो हमारा कहलाएगा प्रिसीजन या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। या फिर ऐसी जगह फार्मिंग करें जहाँ पर हमारा उस चीज़ की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, या फिर जो हमें चीज़ लेनी है, जो क्रॉप हमें ग्रो करनी है, वो क्रॉप वहाँ पर अच्छे से हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो भी इनपुट है उनका यूज कर सके, वो हमारा कहलाता है साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे क्रॉप प्रोडक्शन की। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा हमेशा पूछा जाता है सीरी या फिर SRI सिस्टम। तो ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये 1983 में हेनरी डी लॉलेने ने, मेडागास्कर के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। इट इज़ अ लो वाटर लेबर इंटेंसिव मेथड दैट यूजेस यंगर सीडलिंग सिंगली स्पेस्ड एंड टिपिकली हैंड वीडेड विद स्पेशल टूल्स। तो SRI सिस्टम किस में, सबसे पहले तो ये राइस में यूज होता है, किस में, राइस में यूज होता है,
और इसमें क्या होता है कि कम पानी में ही हम राइस की नर्सरी को तैयार करते हैं, और इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। और इसमें यंगर सीडलिंग, हमारी जो जनरली सीडलिंग होती है जो हमारी 40 से 45 दिन, उतना टाइम पीरियड की ना लेके यंगर सीडलिंग 20 से 21 दिन की हम क्या करते हैं, यंगर सीडलिंग को ही हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसमें, SRI सिस्टम में। तो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम धान की खेती के बारे में पढ़ेंगे, SRI क्या होता है। तो इसको यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि SRI सिस्टम का जो यूज है वो हम किस में करते हैं, राइस की जो नर्सरी है उसको ग्रो करने के लिए करते हैं। और राइस की नर्सरी ग्रो करने का एक मेथड है, और मेडागास्कर में इसमें सबसे पहले हेनरी डी लॉलिने ने इसका डेवलपमेंट किया था। लो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर इंटेंसिव होता है, और यंगर सीडलिंग तैयार करने के लिए हमारा इस मेथड का यूज करते हैं। और इसमें जो जनरली हैंड वीडिंग का यूज करते हैं, हैंड वीडिंग टूल जो होता है हमारा, हैंड वीडेड टूल, उसका यूज करते हैं किसके लिए, वीडिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।